एक ये है, ये के है, तो ये बहुत क्यूट लग रहे हैं मेरे को, और थोड़ा सा लाइट चमक रही है। एक ये है, ये है, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने सेलेक्ट किए हैं ये वाले। हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? और मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि काना कल से पगलाया हुआ है और नाड़ा गया हुआ उसका। गाइस इतना ज्यादा परेशान कर रहा है कल से, मतलब आजकल छुट्टियां हो गई है और ये पगला है। यहाँ पे कितने मासूम बन रही है, है ना? झूठ बोल रही है ना? ये देखिए आ गया। तो अभी हम अभी हमने नाश्ता नहीं किया है, 10 बज गए हैं और बहुत लेट उठे हैं। चुप हो जा। तो अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं? अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम आज खाएंगे चीले। चीले किस चीज के? सूजी के हो चाहे बेसन के हो, पर चीले चाहिए। चीले चाहिए इनको। तो अभी मैं बेसन के चीले बना रही हूँ। और बिहारी जी के जैकेट देखा ना आपने? जैकेट उठाएंगे वहाँ। ये देखिए सामान लेने गया था, भीग के आया हूँ। तो अभी बनने वाले हैं बेसन के चीले और ध्यानी जी बनाएंगे आज बेसन के चीले। तो बेसन के चीलों में क्या पड़ता है, जैसे है ना, हस्बैंड जी पर करो बेसन के चीलों में हस्बैंड जी पड़ते गाइस माइंड मत करना। और आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही है और 2 साल से तो वैसे ही सबके बच्चे है ना अजीब से हो रखे हैं, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी खत्म हो गई है, उनका डिसिप्लिन जो था वो पूरी तरह से वो हो गया है। जितना रोक सकते हैं हम ही रोक रहे हैं घर पे। और प्याज के जो पत्ते हैं ना, तो उनको भी काट के डालूंगी मैं। वो मेरे किचन गार्डन में हो रखे, एक गमला है मेरा तो उसमें उगाए हुए हैं मैंने। और आज मैं आप लोगों को अपना किचन भी दिखाती हूँ। ये देखिए कल जो मैंने ये लगाया था ना वॉलपेपर कलाकारी की, ये हाँ। और ये नीचे वुडन में जो पेपर लगाया, ये देखिए, ये देखिए पूरा मैंने ये लगा दिया है। और हमने यहाँ पे ये मैंने कैंची ले ली है। और मौसम इतना ज्यादा, दिखाना बाहर बारिश हो रही है गाइस बहुत ज्यादा, और इतनी ठंडी है ना, इतनी ठंडी है। नीचे भी दिखाओ, नीचे की तरफ, ये देखिए बहुत ठंडी है, मतलब असली वाली बारिश जो होती है ना सर्दियों की, वो हो रही है। चलो क्या खेलने ये देखिए। तो इनको ना मैं काट लेती हूँ। ये दाल में भी ना बहुत अच्छे लगते हैं दाल। गाइस लहसुन भी मेरा उग चुका है। की फीलिंग आ रही है हमारे, और मौसम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनको ना थोड़ा सा धो लेते हैं, वैसे साफ ही है, गमले के हैं अपने, गमले के थोड़ा धूल उल मिट्टी उट्टी आ रखी होगी, ये तो इनको हम इस तरीके से धो लेंगे। और यहाँ पर सब्जियाँ मैंने कौन कौन सी ली है। प्याज मैंने बारीक से काट लिए हैं, कद्दूकस नहीं किया, गाजर कद्दूकस कर लिया है। हरी मिर्च 3 काट लिए, 2 बड़े टमाटर काट लिए हैं, और ढेर सारा धनिया उधर काट के रखा हुआ है, और हरे प्याज मैंने पहले ही काट लिए थे। तो इन सबको मैं मिक्स करूँगी और बनाते हैं बेसन के टेस्टी वाले चीले। गाइस बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं बेसन ले रही हूँ यहाँ पर कम से कम 2 कटोरी फुल भर के। तो 1 कटोरी तो ये ले ली है मैंने, और दूसरी कटोरी भी मैं ले लेती हूँ। ये देखिए मतलब थोड़ा सा और लिया है मैंने 2 कटोरी से। और अभी इसको घोलेंगे अच्छे से पानी डाल के। पहले मैं बेसन को घोल लेती हूँ। सब्जियाँ डालने से पहले मैं इसमें सारे मसाले मिला लूँगी। और मसाले क्या मिलाने, बस हल्दी और ये थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत टेस्टी होता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी मैं डाल दूँगी, और ये गरम मसाला भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ मैं। अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं, थोड़े से खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं, मीठे नहीं मतलब खट्टे, थोड़े से खट्टापन सा आ जाता है ना। तो ये प्याज मैंने डाल लिए हैं कटे हुए हरे प्याज, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारी सब्जियों को मिक्स करके और डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारे डाल लिए हैं। अब इनकी हम पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं, बस गाजर पड़ा है इसमें इसलिए नहीं बना सकते, नहीं तो पकौड़ी के लिए भी ये बहुत अच्छा पेस्ट बन रहा है। तो इसको बढ़िया से घोलेंगे अब हम, और सारा तैयार हो गया है, रख लेते हैं तवा गैस पे। इसको पहले अच्छे से ऑयली करेंगे तवे को, नहीं तो चिपक जाएंगे। हालांकि बाद में मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ तेल। और ये देखिए
बस इस तरीके से गरम होने देना है पहले, उसके बाद मीडियम कर देना है गैस को। और बहुत अच्छे हेल्दी चीले बनते हैं मिक्स सब्जियों के, और बेसन तो बहुत अच्छा होता है ना, और चनों का होता है तो बेसन अच्छा होता है, और डाइट वाले भी खाते हैं इसको, और इससे पेट भी मतलब भक्क जैसा नहीं होता, गैस नहीं बनती, एसिडिटी। और इसमें अजवाइन भी थोड़ा सा हम क्रश करके डाल सकते हैं अजवाइन को ना, कई लोग अजवाइन भी डालते हैं। और बस इस तरीके से फैला देना है, और जैसे हाथ से फैलाते हैं ना वैसे किसी से नहीं फैलते, तो मैंने थोड़े थोड़े इस पर तेल लगा दिया है करछी पे, ताकि इस पर चिपके ना, नहीं तो चिपक जाते हैं, करछी पे ही आ जाता है पूरा। तो बस इस तरीके से मैंने छुड़ा दिया है, तब भी टूट गया है क्योंकि बेसन के चीले टूटते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं तेल डालती हूँ इस तरीके से, ये देखिए खाली चम्मच करके बस बूंद बूंद डालती हूँ, तो अच्छे बनते हैं ये। और नाश्ते में हम हमेशा ही खाते हैं इनको, ठंडियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खाते हैं बेसन के चीले, सूजी के चीले, आजकल सूजी के नहीं खा रहे इतना। तो एक तो बन चुका है, और ये देखिए दूसरा भी बनना शुरू हो गया है। और इस तरीके से बनाना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, ये देखिए। और सीधा ये रात की क्लिप है, मैं रात में शूट कर रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने जोड़ी है। तो यहाँ पर मैंने भुज्जी के लिए, यानी कि प्याज की भुज्जी के लिए मैंने प्याज धो के रखे हैं, और आज गाजर का हलवा भी खाने का मन हो रहा था, और गैस थोड़ा सा गंदा हो रखा है, इग्नोर करना। ये बस सिर्फ तीन गाजर थी, तीन गाजर को मैंने कद्दूकस किया फटाफट से, और ये दूध डाल दिया उसमें, ड्राई फ्रूट डाल दिए सारे, और बहुत अच्छा टेस्टी गाजर का हलवा भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कभी कभार जो चीज़ हमने सोची नहीं होती है ना, उसको थोड़ा सा दिल से करो ना, जब दिमाग में आए तो बहुत अच्छी बन जाती है। अब इनकी यहाँ पर मस्ती चालू हो गई है, ओप्पा जी बांगड़ा करो बाबू, कह रहे मेरे लिए स्टेज ही नहीं बचा, राघव बांगड़ा बांगड़ा कैसे पाते, नहीं पाजी कैसे बोलते हैं ऐसे, पंजाबी लोग कैसे बोलते हैं पाजी, बाबू डांस करो डांस करो, अच्छा डांस करो ऐसे, ओ पाजी ओ डिंगड़ी, अब लोरी आ रही है ना, लोरी है ना, ऐसे करते हैं कान है, फिर बंगड़ा पाएगा ऐसे, और गुजराती गुजराती डांडिया डांस, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता काना, ऐसे नहीं होता, ऐसे खट से बजाते हो, हाँ जैसे दीदी कर रही है, अरे ऐसे ऐसे नहीं। और गड़वाली गड़वाली डांस कैसे होता है, ये ना यहाँ पर नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो पापा ऑफिस से आए इनके और फोटो खिंचा रहे हैं, और बाबू ऐसे ही करते रहते हैं, पापा आपकी फोटो खींचेंगे आपकी फोटो अच्छे से निकालूंगी मैं, और काना बिल्कुल नहीं निकालने दे रहा है उनको फोटो, ये देखिए खाना इतना ज़्यादा शैतान हो गया है ना, वैसे शैतान नहीं बोलना चाहिए बच्चों के लिए, शरारत ही बोलना चाहिए है ना, ये देखिए ये बहुत ही बेस्ट पापा है सच में ये लो पापा का फोन नीचे गिरा दिया बोलती है मेरे पापा बहुत स्मार्ट लग रहे हैं तो फोटो खींचती रहती है अपने पापा की, और पापा भी खुश होते रहते हैं लेकिन कान है ना दोनों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ये देखिए तो शाम के बजे हैं 6:15 है, और मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, और छोटे छोटे बाबू के लिए ना कान के लेने हैं,
और मैं दिखाती हूँ आपको, उसके नाना जी ने बनाए थे उसके लिए और वो बहुत ही छोटे लग रहे हैं मेरे को। और इसके ना कान पहले छिड़ाए थे हमने, लेकिन बीच में थोड़ा सा इसके कान में प्रॉब्लम हो गई थी तो हमने ना उतार लिए फिर उसके कान से। जो बच्चों के कान पे ना छोटी छोटी ही अच्छी लगती है ना, चाहे टॉप्स हो या कुंडल टाइप में हो, बाली टाइप में, लेकिन ये कुछ मेरे को ज्यादा ही छोटी लग रही है तो मैंने सोचा कि मैं इनको चेंज करा दूं। इसके नाना जी ने बनाए थे इसके लिए, जब काना का मुंडन हुआ था तो काना के लिए चेन बनाई थी और उनको अच्छा नहीं लगा, चेन इसके लिए भी लाए थे। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अब मैं इसको इन्हीं को पहना दूं या क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर मिल जाते तो ठीक है। और ये बिल्कुल ठोस सोना है ये देखिए, तो छोटे से। और इनका जो ये जो डंठल है ना इनकी, तो डंठल भी खूब मोटी मोटी सी है, अच्छी है। गाइस मंडी में इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, ये भीड़ क्यों हो रखी है मुझे नहीं पता। तो अभी सब्जी लेना शुरू कर रही हूँ मैं, उसके बाद जाएंगे दुकान पे ज्वेलर की। तो गाइस अभी ध्यानी जी ऊपर चले गए हैं, पता नहीं कहाँ पे है। तो ध्यानी जी ये रहे, खड़े हो रखे हैं मास्क लगा के। ये काहे मिल रहे हो हमें ऐसे चुपके चुपके? एक ये है, एक ये है, तो ये बहुत क्यूट लग रहे हैं मेरे को, और थोड़ा सा लाइट चमक रही है। एक ये है और ये है, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, देखने तो पहले है, है। ये आए हैं गाइस, ये देखिए ये अच्छे लग रहे हैं ना, चमकेंगे ये। और ये ऐसे ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, इनका रेट क्या है? नहीं रेट बिल्कुल नहीं होगा, मुझे तो खुशी होगी कि तुम्हें दे दूंगा। ये 6,700 के हैं, ऊपर से ये नग है, देखो ना मैंने तो देखी, हॉलमार्क है ना, हॉलमार्क है ये। अभी कान छेदेंगे बाबू के यहाँ पे, छोटे वाले लगेंगे पहले, तो पहले ये वाले लगेंगे कह रहे थे। तो जो इसके नाना जी ने बनाए थे ना इसके लिए, चेंज नहीं करने दिए इसके पापा ने, कहा कि नहीं पहले इनसे ही छेदेंगे। और ज्वेलर ने भी कहा कि डायरेक्ट उनको नहीं लगाएंगे, जो नए खरीदे हैं इनसे ही हम छेद करेंगे कान पे। साग बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि सरसों पालक और मेथी का साग मैं कैसे बनाती हूँ, और अच्छे से आ जाता है मेरे को। अब परसों शायद मैंने बनाया था लेकिन शेयर नहीं किया, और गाजर भी लाई हूँ हलवे के लिए, खूब ढेर सारा गाजर का हलवा बनता है पूरे साल भर, है ना। परसों से हमने 2-3 दिन बना दिया है और फिर लेके आ गई हूँ मैं। मैंने फिफ्थ में उतार दिए थे ये कान के, हाँ फिफ्थ में, तब से नहीं पहने अभी तक। हाँ चलिए दोस्तों इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ यहाँ पर, और मिलती हूँ आप लोगों को कल एक और अच्छे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना।